आज होगी बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में पीएम मोदी देंगे सांसदों को मंत्र। पार्टी के सभी दिग्गज नेता होंगे मीटिंग में शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। कर्नाटक संकट पर निर्दलीय विधायकों की अर्जी पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सोमवार को किया था जल्द सुनवाई से इनकार। निर्दलीय विधायक शंकर और नागेश ने की थी सोमवार को ही सुनवाई की मांग। सोनभद्र विवाद को लेकर खत्म नहीं हो रही सियासत। आज पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचा बीएसपी और सपा का दल। कार्यकर्ताओं के कूच में आदिवासी समुदाय के लोग भी होंगे शामिल। एनआरसी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए तय समय सीमा को बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट। केंद्र और असम सरकार ने दाखिल की है याचिका। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा आम बजट। वित्तीय वर्ष 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। चुनाव को लेकर कर सकती है कई लोक लुभावन वादे। किसानों पर रहेगी सरकार की नजर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। स्वराज इंडिया आज जारी करेगी पहली सूची। 10-12 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी करेगी पार्टी। अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं 90 सीटों के लिए चुनाव। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक। चुनाव पर चर्चा के साथ बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का मनोबल। दिल्ली वालों के घर का सपना होगा साकार। आज होगा डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2019 का ड्रॉ। रेंडम नंबर जनरेशन सिस्टम से खुलेगी लोगों की किस्मत। 18,000 फ्लैट्स के लिए आए थे 45,043 आवेदन। ब्रिटेन में पीएम पद के लिए मतदान खत्म। आज होगा नतीजों का ऐलान। लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव जेरेमी हंट के बीच कड़ा मुकाबला। जॉनसन का नाम रेस में सबसे आगे। दिल्ली झारखंड मध्य प्रदेश में मौसम का बदलेगा मिजाज। आज पूरे दिन छाए रहेंगे बादल। कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून। और भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अभी नहीं लेंगे संन्यास। सूत्रों के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने धोनी को रिटायरमेंट से रोका। T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं धोनी।